ये सब जानते थे कि किस तरह गलत तरीके से सब कुछ किया गया, और अब आखिरकार फाइनली भावना बाहर है नाविका जी। बिल्कुल, प्रोसीजर पेपर वर्क सब कुछ 8 घंटे चला है। कल शाम को 7 बजे की बेल के बाद आज लगभग 4:40 पर भावना किशोर फाइनली लुधियाना जेल से बाहर आई है, लेकिन जंग अभी बाकी है क्योंकि मृत्युंजय कुमार और परमिंदर अभी जेल में हैं। कल उनकी बेल एप्लीकेशन की भी सुनवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होगी। आधी आधी जंग हमारी पूरी हुई है, लेकिन भावना किशोर बाहर आई हैं और कितना झूठा इल्जाम, कितने झूठे सेक्शंस उसमें लगे थे, ये बिल्कुल दिखता है हाई कोर्ट के इंटरिम बेल के ऑर्डर में कि SC ST एक्ट का जो की जो धाराएं लगाई गई थी वो बिल्कुल नॉन जस्टिफाइड है, प्राइमा फेसाई ऐसा कोर्ट ने कहा है। आज हमें ये देखना है कि भावना बाहर आई है, लेकिन अभी मृत्युंजय और परमिंदर के लिए हमें अभी जंग और लड़नी है। इस वक्त इतना ही कहूंगी कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, जो दर्शक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत आभार। चाहते हैं कि बस वो अपना आशीर्वाद भावना किशोर पर, टाइम्स नाउ नव भारत पर बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अभी जंग जारी रहेगी और ये जंग अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। कल सुबह जब ये केस फिर से रेगुलर बेल के लिए आएगा भावना, मृत्युंजय और परमिंदर के लिए, आज के लिए आभार और बहुत बहुत भगवान का शुक्र कि हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर लेकर आए हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भावना का, जो बिल्कुल डटी रही, डरी नहीं, और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता का, जिन्होंने हिम्मत बनाए रखी। और जब भी मैंने उनसे बात करी, उनके पिताजी ने कहा नहीं, हम डर नहीं रहे, लड़की है, कर लेगी अपने आप, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा और साथ रखिएगा। तो आज मैं भावना के पिताजी और माताजी से भी नमन करती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में हिम्मत बंधाए रखना कितना मुश्किल होता है, ये कोई भी माँ बाप जानते हैं, मैं जरूर समझती हूँ इस बात को, और उनकी पीड़ा के लिए खेद है हमें, लेकिन शायद पत्रकारिता में हमें अब इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। ये साबित हो गया है दुनिया के सामने, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और भावना हमारे साथ रहेगी आगे की लड़ाई में। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ी थी और